साथियों, आपके YouTube चैनल सेल्फ हेल्प में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे दो कड़ी के गुणा करने की दो प्रकार से आसान से विधि, जिसे अगर आप कंपटीशन में दे बैठ रहे हैं, जैसे पटवारी है, रीट है, PTT है, उसमें बहुत सारे गणितीय सवाल आते हैं, उसमें अगर आप दो कड़ी के गुणा अगर आप आसानी से कर पाएंगे तो सवाल को आसानी से कर सकते हैं। उसी की मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इकाई और दाई। इस प्रकार की अगर संख्याएं हैं उसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इसको हल करने के तरीके देखिए, मैं इस प्रकार से बताऊंगा। अब आप इसको आसानी से किस प्रकार से करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, जो साठ बाजू की है उनको गुणा करेंगे। ये होता है जी 5 का पावर 4 बार बोलते हैं, 4 × 5 = 20। यहाँ पर हम लिखते थे 20, फिर यहाँ एक लाइन खींचते थे। उसके बाद अपने को क्या करना है, ये तिरछा वज्र गुणा करना है। इस प्रकार से 5 × 3 = बोले 5 × 3 = 15। उसके बाद प्लस का निशान लगाना है, फिर 3 × 4 = बोलना है 12। और फिर इस प्रकार से एक लाइन खींच देनी है आपको वापस, और फिर इन दोनों का गुणा करना, अंतिम पद है उसका हम गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए साथियों, ये 20 जैसा है वैसा लिखना है, इन दोनों को जोड़ना 12 और 15 को जोड़ेंगे तो अपने हो गए ये 5 × 2 = 7 और 2 = 27 हो जाते हैं। और फिर हम यहाँ लिख देते हैं 9। अब इसमें साथियों, यहाँ जब दो कड़ी का गुणा करते हैं तो इसमें अपने को क्या करना है, इधर एक कड़ी रखनी है, दो कड़ी का में एक नियम है, दो कड़ी के हैं तब हम इधर एक कड़ी रखेंगे, जैसे बाकी जैसे ये जैसे लाइन लिखी मैंने, इधर 0 हो गया, फिर ये 2 है इसमें आके जुड़ जाता है साथियों। ये मैं प्लस का निशान भी लगा रहा हूँ, इसका मतलब है इसमें जुड़ रहा है, यानी 27 में 2 जोड़े तो 29 हो जाते हैं। और साथियों 29 का हमें यहाँ 9 ही लिखना है, फिर ये 2 है अपना वापस आगे चला जाता है और इस 9 में जुड़ जाएगा, 9 × 2 = 11 हो गए। अब साथियों इसका मतलब हो गया अपने पास, अगर हम संख्या लिखना चाहें 11, 9 और 0, ये आपकी गुणा में संख्या आ जाएगी। इसी को मैं दूसरे तरीके से, इस तरीका यही है लेकिन थोड़ा सा और आसान करते हुए मैं इस प्रकार से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने डॉट बना दिए, इस प्रकार से पहले क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना अपने को। मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ, इनको 5 × 20, 5 × 4 = 20, 20 का हमने यहाँ पर 0 लगा दिया, हासिल के अपने पास 2 बच गए। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये 4 संख्या है, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। देखिए इसको मैंने गुणा किया 5 × 3 = 15, फिर उसमें आपका ये वज्र गुणा किया, फिर इसको गुणा करना है 3 × 3 = 12, प्लस इसमें 12 और जोड़ने अपने को। अब जोड़ दिए 17 हो गए, ये 7 और ये 2 = 27, इसमें हासिल के 2 और जोड़ दिए साथियों, तो ये हो गए अपने पास 29। 29 के हमें यहाँ पे 9 लिखने हैं और हासिल के अपने पास वापस 2 बच गए। अब साथियों क्या होता है, ये जो संख्या है इन दोनों को वापस गुणा करना है, 3 × 3 = 9, 9 में 2 जोड़ेंगे, आपके पास आंसर 11 हो गए। इस प्रकार से देखिए दोनों ही विधि से आपका आंसर समान आ गया। अगर आपको ये विधि अच्छी लगी है हमें कमेंट्स करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ताकि आपका तकहारे की वीडियो पहुँच सके। साथियों हम एक और उदाहरण लेके देखते हैं, जिसमें पहले वाले तरीके से करते हैं। देखिए अपने पास ये 2 संख्याएँ हैं, 6 और 2, 2 का पावर हम बोलते हैं 6 × 2 = 12, मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, फिर आड़ी लाइन खींच दी, फिर देखिए इन को गुणा कर देंगे तिरछा, 2 × 5 = 10, फिर जोड़ का निशान लगा दिया, 3 × 6 = 18, ये आपके पास 18 हो गए। फिर मैंने आड़ी लाइन खींच दी साथियों, फिर इन दोनों को गुणा किया मैंने, 3 × 5 = बोला 3 × 5 = 15 हो गए साथियों। इसके बाद देखिए मैं वापस इन्हीं संख्या को लिखता हूँ, ये 12 लिखा मैंने, अब इसमें जोड़ है, 10 और 18 को जोड़ेंगे अपने साथ तो ये 28 हो गए, और अपने पास इधर 15 है वैसे के वैसे ही रह गए। अब साथियों ये 2 कड़ी गुणा होते हैं तो इधर हमें एक संख्या छोड़ते हैं बाकी को आगे जोड़ते जाते हैं, यहाँ से 12 में से हम 2 यहाँ रखेंगे, बाकी जो एक बचता है उसको हम आगे वाले कॉलम में जोड़ देंगे। यहाँ हो गए अपने पास 28 है, एक इसमें जोड़ गया अपने पास, ये 29 हो गया साथियों, फिर 2 हासिल के बच गए। इस 2 को हम 15 में लाएंगे, इसमें जोड़ देंगे, 15 में जोड़ेंगे तो अपने पास ये 17 हो गए साथियों। अब इसके पास हम संख्या लिखना चाहें तो यहाँ से लिखिए आप 2
फिर यहाँ से लिखिए 9, फिर यहाँ से लिखिए आप 17, ये आपकी संख्या होगी। अब इसी को मैं उसी तरीके से डॉट वाली तरीके से दिखाता हूँ साथियों। तो देखिए इसमें हम इन दोनों को गुणा करते हैं, 2 × 6 = 12, 12 का मैंने यहाँ 2 लिख दिया, हासिल का अपने पास 1 बच गया साथियों। अब मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ, 2 × 5 = 10 हो गए, उसके बाद इसको गुणा किया मैंने, 3 × 18 हो गए। और यहाँ से देखिए साथियों, 1 अपने पास हासिल का है, इन तीनों को जोड़ लिया तो अपने पास 29 हो गए। 29 का मैंने यहाँ 9 लिख दिया और हासिल के अपने पास 2 बचे। फिर इन दोनों को गुणा किया मैंने 5 और 3 को, 3 × 5 = 15, 15 में मैं 2 जोड़ता हूँ तो अपने पास 17 हो गए साथियों। ये आपका गुणा देखिए, दोनों में समान आंसर है।